अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल हाशमी है और मेरे इस चैनल का नाम ऑन साइड क्रिकेट है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि क्रिकेट की आने वाली तमाम खबरें आप तक बरवक़्त पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच के हवाले से, उसके बाद थोड़ा सा बात कर लें एशिया कप 2023 की प्लेऑफ टीमों के हवाले से। ग्रुप ए में से पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है और नेपाल बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो ग्रुप बी में से इस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुकी हैं और अफगानिस्तान जो कि आज का मैच हारी, हालाँकि वो जीता मैच हारी लेकिन हारने की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब हमारे पास एशिया कप 2023 की सुपर फोर की टीमें निकलकर सामने आ चुकी हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। अब इन चार टीमों का आपस में क्रॉस मैच होगा, हर टीम का दूसरी, तीसरी और चौथी टीम के साथ मुकाबला होगा। अब उसके बाद टॉप टू टीम्स जो होंगी वो एशिया कप 2023 का फाइनल खेलेंगी। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से तो ये मैच श्रीलंका 2 रनों से जीत गई। ये मैच अफगानिस्तान जो है वो बहुत अच्छा मैच चल रहा था, अफगानिस्तान बड़ा अच्छा खेल रही थी शुरू से लेकर, शुरू में थोड़ा सा अफगानिस्तान बैकफुट में गई रहमानुल्लाह गुरबाज की विकेट की वजह से, लेकिन जल्द ही हशमतुल्ला ने ये चीज़ और मोहम्मद नबी ने ये मैच को बड़ी जल्दी कवर किया। हशमतुल्ला की पार्टनरशिप और मोहम्मद नबी की पार्टनरशिप की वजह से ये मैच हम काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। लेकिन इस मैच का जो इख्तिताम है वो काफ़ी बुरा हुआ, जो कि क्रिस मर, कोबरा किंग, राशिद खान मौजूद थे लेकिन राशिद खान को इस चीज़ का इलम नहीं था कि 37.1 बॉल होने के बावजूद भी आपके पास 2-3 बॉलें हैं कि अगर आप सिक्सर लगाकर ये मैच जीत सकते हैं, ये मैच जीतने के साथ साथ सुपर फोर में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान को पता था, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था और श्रीलंका भी मेरे ख्याल से बिल्कुल इजी फील कर रही थी। जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही 37.1 ओवर हो चुका था तो श्रीलंका बिल्कुल रिलैक्स हो गई और क्वालिफाई होने की खुशी उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। लेकिन ये बात अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं था पता, राशिद खान को भी नहीं था पता, शायद उनकी ये निगलिजेंसी है, वो सोए थे। क्योंकि देखें, साफ कमेंट्री में बताया जा रहा है कि अगर आप 37.1 ओवर्स में ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते और अगली 2-3 गेंदों पर सिक्सर लगाकर 295 स्कोर कर लेते हो और मैच जीत जाते हो तो आपकी रन रेट बांग्लादेश की रन रेट से बेहतर हो जाएगी और डेफिनेटली फिर बांग्लादेश जो थी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती और अफगानिस्तान टीम ये मैच जीत जाती। इस मैच में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कमबैक था अफगानिस्तान का, श्रीलंका ने भी अपनी बैटिंग पर काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया। पहले वो काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया श्रीलंका के ओपनर ने अपनी टीम को, उसके बाद मिडल ऑर्डर ने काफ़ी मायूस किया श्रीलंका को, लेकिन जैसे ही आप डेप्थ बैटिंग में जाते हैं तो श्रीलंका के जो टेल एंडर हैं उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छी इनिंग खेली और टारगेट को 292 तक पहुँचाया। अब ये टारगेट हर कोई सोच रहा था कि अफगानिस्तान की पहुँच से दूर है और अच्छी रन रेट के साथ ये मैच अफगानिस्तान नहीं जीत सकती, लेकिन अफगानिस्तान ने जैसे स्टार्ट में बैटिंग की तो वो जो शक था वो यकीन में बदल रहा था, लेकिन जैसे ही हशमतुल्ला शाहिदी और मोहम्मद नबी की पार्टनरशिप लगी तो हर फैन, ये हर क्रिकेट का फैन ये मैच देखने लगा और इसमें दिलचस्पी लेने लगा। लेकिन ये मैच कुछ इस तरह ख़त्म हुआ कि अफगानिस्तान टीम जैसे ही ऑलमोस्ट एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए और टूर्नामेंट में रहने के लिए, लेकिन मुजीबुल्ला रहमान की विकेट जैसे ही गिरी अफगानिस्तान टीम ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी, ज़ाया कर दी। लेकिन हालांकि उनके पास 3 बॉल पड़ी थी, अगर वो बाउंड्री लगाते तो ये मैच भी जीत जाते और इस टूर्नामेंट में भी रहते, डिस्क्वालीफाई होती तो वो बांग्लादेश होती। लेकिन जैसे ही फजले हक फरूकी आए, पहली 2 बॉल उन्होंने डॉट की, उन्होंने डिफेंस खेला, उसके बाद 1 बॉल डिफेंस, दूसरी बॉल डिफेंस, तीसरी बॉल पे अगर शॉट मारने लगे और वो आउट हो गए, अफगानिस्तान टीम ऑल आउट हो चुकी थी
और श्रीलंका ये मैच 2 विकेटों से जीत चुकी थी। अगर ये मैच अफगानिस्तान जीत जाती तो अफगानिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाती, फिर कल का मैच 6 सितंबर को पाकिस्तान का मैच होता अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर एशिया कप 2023 में। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ भी हमने देखी श्रीलंका में, फिर हम एशिया कप का मैच भी देखते 50 ओवरों का, और फिर ज़्यादा मज़ा आता जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में लगती है, हम सब देखते और काफ़ी मज़ा आता, और नसीम शाह के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती दोबारा अपने आप को मनवाने की। लेकिन हम दुआ करते हैं कि नसीम शाह तक बात ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान को फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, अफगानिस्तान को इतना नॉलेज होना चाहिए था। हम क्रिकेट फैन होने की वजह से हम टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं और हमें इतनी नॉलेज है कि अगर ये हो जाता तो इसने क्वालिफाई कर जाना था, अगर ये ना होता तो ये डिसक्वालीफाई हो जाती। लेकिन क्रीज में जो मौजूद प्लेयर हैं और अंपायर का भी इसमें बड़ा करीबी किरदार है, अगर वो कुछ नॉलेज रखते तो प्लेयर को श्रीलंका को भी बताते कि भी आप टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं हुए, आपने 3 गेंदें मजीद डॉट करनी है। लेकिन वेल डन मतीशा पतेराने ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और मतीशा पतेराने ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिरी ओवर करवाया। ये डेप्थ ओवर में हम धनंजय दा सिल्वा से ओवर करवा रहे हैं, धनंजय दा सिल्वा ने प्रूव किया कि वो काबिल कबूल हैं श्रीलंका के लिए, जैसा कि हमने टेस्ट सीरीज़ में भी देखा पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ में कि धनंजय दा सिल्वा वन मैन आर्मी थे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की तेज़ और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ धनंजय दा सिल्वा टेस्ट सीरीज़ में भी वन मैन आर्मी थे, और अब एशिया कप में भी वो शो करवा रहे हैं कि वो वन मैन आर्मी हैं। श्रीलंका ये मैच जीत चुकी है, अफगानिस्तान डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। पाकिस्तान का मुकाबला कल होगा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद 10 तारीख को मुकाबला होगा इंडिया के खिलाफ, जो कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का बारिश की नज़र होने की वजह से तमाम फैन काफ़ी डिसहार्ड हैं, और हम सब उम्मीद करते हैं कि जो 10 सितंबर को ये मैच होगा वो हम्बरटूटा में करवाया जाएगा। पहले इस मैच का वेन्यू कोलंबो था, लेकिन अब ये मैच का वेन्यू जो है वो तब्दील कर हम्बरटूटा में कर दिया गया है। अब 10 सितंबर को देखते हैं पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होती है कि नहीं। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त पहुँच जाएंगी। इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा कि आपको क्रिकेट की नॉलेज मेरे पास जितनी है वो मैं पहुँचाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।